गाड़ी मेरी कौन सी फेवरेट है? मैं 10 सालों से वही गाड़ी चला रहा हूँ, टोयोटा करोला है, और वो मेरी तरह से थोड़ी पुरानी है, और मैं ये ऑटोमेटिक गाड़ियों को पसंद नहीं करता, तो वो क्लच की तरह से चलाता हूँ। अच्छी गाड़ी है, सर्विस अच्छी होती है, तो वो मेरी फेवरेट गाड़ी है। हम बात कर रहे हैं फेवरेट कार्स की। हालांकि शुरू से ही मैंने पिछले 20 वर्षों में जितनी गाड़ियां चलाई हैं, ओन की हैं, वो सब या मारुति सुजुकी या टोयोटा के स्टेबल्स की गाड़ियां थी। लेकिन संभवतः आने वाले वर्ष में तो नहीं, लेकिन कई वर्षों बाद अगर मैं जापानीज कार्स से जर्मन कार्स की तरफ स्विच करूंगा, तो संभवतः ऑडी और ऑडी की एसयूवीज मेरी फेवरेट्स हैं। अगर कभी इतना पैसा आया और ये क्लीन कार्स रही, तो ये खरीदने का प्रयास करेंगे। कार दैट आई रियली लाइक, जो कि मुझे आई रियली लुक फॉरवर्ड टू, इज द जीप कंपस। आई हैवन फाउंड आउट मच, बट आई रियली लाइक द वे इट लुक्स। सो रेड जीप कंपस, होपफुली फुली ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी फेवरेट कार के बारे में बात करूँ, कौन सी होगी, मुझे बड़ी गाड़ी बहुत पसंद है, एसयूवीज पसंद है, तो अभी my eye is on the next big SUV car. My favorite car this year, so I'm waiting for an Audi Q2 jo abhi launch hone wali hai. Hopefully achhi gaadi honi chahiye, agar wo theek hui to possibly that in 2019 it will change, possibly by the end of the year, because bahut sari nayi gaadiyan aane wali hain, but hogi pakka SUV mein se koi. Gadget jo main 2018 में नहीं खरीद पाया, लेकिन मैं उसे 2019 में पक्का खरीदने वाला हूँ। मुझे अपने नई टीवी के लिए एक साउंड बार चाहिए, अ गुड साउंड बार विद टू नाइस स्पीकर्स, जो बिल्कुल विल कन्वर्ट माय हाउस इनटू अ फुल 360 डिग्री मूवी एक्सपीरियंस। एक मुझे ड्रोन खरीदना है अपने लिए, वो मेरा टारगेट है, एक ड्रोन कैमरा खरीदना है अपने लिए। सो आने वाले साल में जो एक गैजेट मैं लेना चाहती हूँ, वो है एक अच्छा लैपटॉप, विच विल बी लाइट एंड ऑल्सो विल बी वेरी यूजर फ्रेंडली। मैं बहुत ज़्यादा टेक सैवी हूँ नहीं, तो मुझे एक बेसिक अच्छा लैपटॉप चाहिए, जो कि ईजिली मैं अपने साथ ले जा सकूँ। फेवरेट गैजेट की अगर बात करें, तो आपका आईपैड और आपका फ़ोन, ये आज के दिन आपके फेवरेट्स होते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, जब भी मैं बाहर जाता हूं, तो अपने मोबाइल फ़ोन पर ही ज़्यादातर स्टोरीज शूट भी कर लेता हूं, और एक प्रोफेशनल कैमरा से अगर शूट हो रहा हो, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने आईपैड से भी शूट करता हूं, ताकि कुछ एडिशनल शॉट्स भी मिल जाए, अलग एंगल्स भी मिल जाए, और क्लैरिटी तो आजकल के टेलीफोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में लाजवाब है। अगर गैजेट्स की बात करें, मैं काफ़ी अनसैवी हूँ गैजेट्स को लेकर, पर द डॉक नेक्स्ट टू माई बेड, विच आई कैन पुट माई फोन और माई आईपॉड ऑन और म्यूजिक सुनने के लिए, मुझे वो बहुत पसंद है। गैजेट, देखिए मैं गैजेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ये मेरा आईफोन है, और मेरी बेटी मुझे कहती है हमेशा कि पापा आप एक नया आईफोन लीजिए, एडवांस्ड लीजिए, लेकिन मैं डरता हूँ, क्योंकि एडवांस्ड आईफोन लूँ तो फिर और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, तो मैं सिंपल आईफोन मुझे पसंद है, जो मुझे बेसिक चीज़ें देता है, तो बस ये मेरी मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं। मेरा फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन अगर आप इंडिया में कहें, तो वो है गोवा, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ से आती है, मेरे पिताजी का जन्म वहाँ हुआ था, और गोवा में जो एक सुकून मिलता है, ख़ास करके अगर आप किसी छोटी जगह जाए, बीच पर नहीं लेकिन बीच से दूर, तो गोवा जैसी कोई जगह नहीं है। अब परेशानी ये हो गई है कि दुनिया भर के लोग अब गोवा आने लगे हैं, तो अब गोवा में पहले जैसा जो सुकून था वो अब नहीं मिलता, लेकिन फिर भी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इन इंडिया गोवा, और मैं जाना चाहता हूँ एक दिन हवाई, क्योंकि मैंने हवाई की बहुत तस्वीरें देखी है, और मैंने सुना वहाँ के बीचेस बहुत ही खूबसूरत हैं, तो एक दिन मैं हवाई ज़रूर जाऊँगा, और मैं अंटार्कटिका जाना चाहता हूँ।
ये दो जगह मेरे मन में है कि एक दिन अंटार्कटिका जाना है, एक दिन हवाई जाना है, तब तक मैं गोवा जाता रहूँगा। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन की अगर बात करें, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं लेकिन मेरी पत्नी को समुद्र अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग की छुट्टियाँ आमतौर पर सागर किनारे ही होती हैं। लेकिन अगर मैं अपने मित्रों के साथ जाता हूँ या फिर जब मैं काम से जाता हूँ, तो कुछ समय पहले हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पे थे या ईस्टर्न लद्दाख में रिजांगला में थे, 17,500 फीट की ऊँचाई पर। इस समय अगर बात करें तो वहाँ पर -30 से -40 डिग्री तापमान है। तो मेरा फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में होता है, बहुत बर्फीली जगह में होता है, लेकिन मेरी पत्नी का फेवरेट डेस्टिनेशन आमतौर पर सागर किनारे होता है, गोवा का बीच हो या श्रीलंका का बीच हो या उड़ीसा का बीच हो या इस तरह के समुद्र किनारे उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग की छुट्टी आमतौर पर सागर किनारे ही बीतती है। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन ऑल टाइम स्टिल रिमेन्स गोवा। मुझे एम्स्टर्डम भी बहुत अच्छा लगता है, पर गोवा के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं आप, एंड उसमें दो चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है हमेशा, एक बीच और दूसरा हिल्स। यू'ड बी सरप्राइज्ड, गोवा में बहुत अच्छी छोटे छोटे ट्रैक्स करने के लिए भी जगह है, तो वो दोनों आपको गोवा में मिल जाते हैं। प्लस वेदर इज़ वार्म, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली विंटर्स में, तो दिल्ली की सर्दियों से निकल करके एक अच्छे ब्रेक के लिए आई लव गोवा एनी टाइम ऑफ द ईयर। अगर डेस्टिनेशंस की बात करें, साउथ अमेरिका इज़ ऑन माई विश लिस्ट, आई डेफिनेटली वांट टू पुट इट देयर, स्पेशली अर्जेंटीना, चिली, आई डेफिनेटली वांट टू डू दैट। हॉलीडे डेस्टिनेशन somewhere possibly in South America, maybe Cuba or Peru or somewhere like that. So, अभी तो यही है मेरी to-do list for 2019. बिज तक की पूरी टीम को और बिज तक के जितने भी दर्शक हैं उनको कि हैप्पी न्यू ईयर। 2019 बहुत बड़ा साल है, चुनाव बड़े होने वाले हैं, वर्ल्ड कप होने वाला है और बिजनेस की दुनिया में भी बहुत कुछ होगा। बस आप देखते रहिए बिज तक। 2019 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, स्वस्थ रहें आप, यही मेरी कामना है। बिज तक के सब्सक्राइबर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले साल की शुभकामनाएं, बहुत अच्छा जाए आपका साल। बिज तक के सारे फॉलोवर्स को, बिज तक के सारे व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।